तो आज का वीडियो है मालदीव्स को लेके। मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा कैसे आप इंडिया के किसी भी कोने से मालदीव्स पहुंच सकते हैं इन अ चीपेस्ट वे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए। मालदीव्स आइलैंड इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड नेचुरल प्लेसेस इन द वर्ल्ड। ये एक टूरिस्ट प्लेस है लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट ऑफ श्रीलंका एंड इज अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। बहुत लोग सोचते हैं कि ये एक इंडिया का ही पार्ट है, पर ऐसा नहीं है। दिस इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री विच इज 90,000 स्क्वायर किलोमीटर बिग। मालदीव्स का पॉपुलेशन है सिर्फ 3,75,500 पीपल। ये कोई एक पीस ऑफ लैंड नहीं है, इट्स मोर देन 1200 आइलैंड्स टुगेदर। मालदीव्स का कैपिटल है मेल। मेल इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ मालदीव्स। आप मालदीव्स दो तरीकों से जा सकते हैं। एक तरीका है इंडिविजुअली जाना और दूसरा तरीका है पैकेज परचेज करके जाना। पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप इंडिविजुअली कैसे जा सकते हैं। मालदीव्स में टोटल 12 एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें से सिर्फ 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और बाकी डोमेस्टिक। डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स आर इफ्रू, धरवेंदो, कुडाहुवेंदो, तिमाराफूसी, कैदो, कोडो, कादहेदो एंड फुवामुला। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर हानिमादो, मेल, मामीगिली एंड गान। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही लैंड करें, क्योंकि वहां जाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और 90% सब वहीं जाते हैं क्योंकि वहां अच्छे अच्छे जगहें हैं घूमने के लिए। मेल जाने के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स आपको सिर्फ मुंबई और बेंगलोर से ही मिलेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जहां कहीं भी हो पहले मुंबई या बेंगलोर एयरपोर्ट आ जाएं। फ्लाइट का चीपेस्ट प्राइस वन वे लग जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 8,000 डिपेंडिंग अपॉन द एयरलाइन एंड द डे ऑफ ट्रैवल यू चूज। वो जर्नी अराउंड 2 to 3 आवर्स का होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे छोड़ के बाकी सब दिनों में जाएं। उसमें आपका खर्चा कम होगा, क्योंकि जैसा आप सबको पता ही होगा कि फ्लाइट्स का प्राइस वीकेंड्स के टाइम पे बहुत हाई रहता है। आप जैसे ही मेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लैंड करेंगे आपको ऑब्वियसली किसी एक होटल में जाना पड़ेगा। मेल में मैं आपको 4 होटल सजेस्ट करूंगा विद बेस्ट रिव्यू एंड चीपेस्ट प्राइस। नंबर 1 है हाउस क्लोवर होटल। इसका प्राइस इज अराउंड 3,400 पर नाइट फॉर 2 persons। ये होटल एयरपोर्ट से 4.3 किलोमीटर दूर है, 14 minutes लगेगा कार से। कैब आपको एयरपोर्ट के बाहर ही मिल जाएगी। सेकेंड होटल है कैंपा सेंट्रल होटल। इसका प्राइस है 6,700 पर नाइट फॉर 2 persons। ये होटल एयरपोर्ट से 4.1 किलोमीटर दूर है और 12 मिनट लगेगा कार से जाने में। थर्ड होटल है उनीमा ग्रैंड होटल। इसका प्राइस इज अराउंड 4,500 पर नाइट फॉर 2 persons। ये 3.4 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट से, 9 मिनट लगेगा कार में। फोर्थ होटल है होटल ऑक्टेव। इसका प्राइस इज अराउंड 4,500 पर नाइट फॉर 2 persons। ये 4.4 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट से और 14 मिनट्स लगेगा कार से जाने में। ये सब होटल्स पूरा मेल सिटी के बीच में है, इसलिए आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब प्राइस रेंज सिर्फ रूम का है, दैट मींस विदाउट फूड। खाने का खर्चा आपका अलग लगेगा। अब मैं आपको बताता हूँ आप पैकेज परचेज करके मालदीव्स कैसे जा सकते हैं। मेल में बहुत सारे पैकेजेस हैं। सबसे चीपेस्ट एंड बेस्ट पैकेज है 51,000 पर पर्सन वाला। इसमें आपको मिलेगा 4 night स्टे, मेल का एक राउंड ट्रिप और 3 times का खाना, लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट। आपको स्नॉर्कल इक्विपमेंट का यूज़ करवाएंगे एंड सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। एक ग्रुप मैक्सिमम 8 पीपल तक ही कंबाइन हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा मालदीव्स का टॉप 10 प्लेसेस जो आप विजिट कर सकते हैं। फर्स्ट है मेल। ये है 5.8 किलोमीटर स्क्वायर बिग। ये वन ऑफ द मोस्ट बिग एंड पॉपुलेटेड सिटीज़ में से एक है इन मालदीव्स। मेल में बहुत सारे जगहें हैं घूमने के लिए। आपका पूरा एक दिन चला जाएगा मेल घूमने में, इसलिए मैं आपको मेल सजेस्ट कर रहा हूँ लैंड करने के लिए। सेकंड है हुलू मेल आइलैंड्स। ये आइलैंड लोकेटेड है इन द साउथ ऑफ नॉर्थ मेल एटॉल। इट इज़ 2.4 किलोमीटर इन लेंथ एंड 1 किलोमीटर इन विथ। थर्ड है माफूशी आइलैंड्स। इट इज़ लोकेटेड 24 किलोमीटर अवे फ्रॉम मेल। इसका लेंथ है 1.2 किलोमीटर्स एंड विड्थ है 0.3 किलोमीटर्स। फोर्थ है यूथीमू आइलैंड्स। इट इज़ लोकेटेड 297 किलोमीटर अवे फ्रॉम मेल। इट इज़ 0.9 किलोमीटर्स इन लेंथ एंड 0.73 किलोमीटर्स इन विड्थ। फिफ्थ जगह है फाइदू आइलैंड्स, लोकेटेड 538 किलोमीटर अवे फ्रॉम मेल। इट इज़ 6.25 किलोमीटर इन लेंथ एंड 3.5 किलोमीटर इन विड्थ। सिक्स्थ है माराथो आइलैंड्स। इट इज़ लोकेटेड 537 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मेल।
It is 1.5 kilometers in length and 0.50 kilometers in width. 7th place heavily Gendu. Ye 1st March 1984 ko bana tha. This is made up of 33 islands together. 8th place hai Banana Reef. Ye hai North Male Atoll ke andar airport ke paas. Ye ek bahut famous reef hai and it's a must visit place. 9th place hai Tholoshdo Islands. This is 26 kilometers away from Male with a length of 1.5 kilometers and a width of 1 kilometer. 10th most amazing place hai Funamula Islands. It is 494 kilometers away from Male with a length of 3.8 kilometers and a width of 2.1 kilometer. Ye list tha some of the most amazing places in Maldives ka. Ab ek baat dhyan rakhiyega. आप मेल के लिए पैकेज किसी भी टाइम परचेज कर सकते हैं, पर सोच लीजिए अगर आप किसी रीज़न से नहीं जा पाए या फिर आपको टिकट कैंसिल करना पड़ जाए तो डिपार्चर डेट से 7 डेज एडवांस में कैंसिल कीजिएगा। ऐसा करने से आपको आपका पूरा पैसा वापस दे दिया जाएगा। पर अगर आप 3 से 6 दिन के अंदर कैंसिल करते हैं तो आपका 50% पैसा काट लिया जाएगा और बाकी वापस दे दिया जाएगा। और अगर आप डिपार्चर डेट के 2 दिन पहले कैंसिल करते हैं तो आपका पूरा पैसा काट लिया जाएगा और कुछ वापस नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ 5 मोस्ट एक्साइटिंग थिंग्स वन कैन डू इन मालदीव्स। फर्स्ट है स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग के बारे में आपको तो पता ही होगा। इसमें बेसिकली आपको एक ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाता है जिसे पहनकर आप पानी में डाइव मार सकते हैं। सेकेंड है स्नॉर्कलिंग इक्विपमेंट। इसमें आपको पूरा स्नॉर्कलिंग का सेट दिया जाता है जिसे पहनकर आप अंडर वाटर एक्सप्लोर कर सकते हैं। थर्ड है वाटर स्पोर्ट्स। देर आर मेनी काइंड्स ऑफ वाटर स्पोर्ट्स इन मालदीव्स। उनमें से कुछ है राफ्टिंग, जेट स्कीइंग, अंडर वाटर वॉकिंग, वाटर ग्लाइडिंग एक्सेट्रा। फोर्थ है इनलैंड स्पोर्ट्स। दिस इंक्लूड्स बीच वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल ऑर्गेनाइज्ड बाय मालदीव्स एंड मैनी मोर। फिफ्थ है एक्सक्लूशन, दैट इज एक्सप्लोरिंग द लाइफ अंडर वाटर बाई द मीन्स ऑफ स्कूबा डाइविंग, यूज ऑफ स्नॉर्कलिंग इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन देखिए, और एक्स्ट्रा कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड ऐसे ही कुछ अमेजिंग वीडियोस लाता रहूँगा। सो बाय एंड एन्जॉय योर जर्नी।